गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई एम अंदाकनी दुबे फ्रॉम एन आई टी पॉलिटेक्निक सिविल डिपार्टमेंट सो टूडे वी विल स्टार्ट विथ आवर टॉपिक दैट इज आई सेक्शन ओके वी विल सी अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन टॉपिक वन पॉइंट थ्री अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन द विजन मिशन ऑफ आर प्रोग्राम इज to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers mission of the department is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability to develop social and environmental responsible civil engineers effective implementation of teaching learning progress to benefit students okay now we will see the learning outcome Articulate practical application of moment of inertia of symmetrical and unsymmetrical structural solution. Program outcome is this unit outcome. Compute moment of inertia of unsymmetrical I section. Okay. Now we will see the. New Good morning, dear students. So today we will start with our new numerical that is on unsymmetrical section. Okay. अभी तक हमने क्या क्या देखा था अभी तक हमने आय सिमेट्रिकल सेक्शन देखा है जब हमारा जो बीम था आय बीम था जब वो सिमेट्रिकल था तब वो कैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा था अभी तक हमने वो देखा था कैसे कैलकुलेट करना है अब ये जो वीडियो है इसमें हम क्या देखेंगे जब हमारा जो आय बीम है दैट इज़ अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल आपको डायग्राम में ही देख के साथ समझ में आ रहा होगा कि अनसिमेट्रिकल वो क्यों है क्यों क्योंकि इसका जो टॉप फ्लेंज है और जो बॉटम फ्लेंज है ये दोनों का जो लेंथ है जो विद है ये क्या है डिफरेंट है दोनों डिफरेंट है इसीलिए उसी को कि, उसको हम क्या बोलेंगे अनसिमेट्रिकल बोलेंगे ठीक है अब कैसा रहता है कि सिमेट्रिकल जब हमारा सेक्शन था तो हमने देखा था कि वाई एक्सिस जो है ये जो ग्रीन से बनी हुई है y एक्सिस ये ठीक है y एक्सिस थी और एक ऐसे जैसे कि रेड वाली है इसको एक्स एक्सेस समझ लो सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए तो ये जो दो पॉइंट पे मीट करती थी ये पॉइंट पे, तो इसको हम क्या बोल सकते थे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी मतलब ये पूरे बॉडी का एरिया हम ये मानते थे कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे लाइक करता है ठीक है बट जैसे कि हमारा जो अभी सेक्शन है वो अनसेमेट्रिकल है अनसीमेट्रिकल है मतलब उसका जो ये वाला है कोइंसाइड नहीं करेगा पहले किस में क्या हो रहा था सिमेट्रिकल सेक्शन में कि जो ये सेक्शन का मतलब जो ये इंडिविजुअल सेक्शन था जो वेब था इसका जो एक्सेस था ये और हमारा एक्सेस ओवरलैप करता था बट ये सेक्शन में नहीं करेगा क्यों क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है तो पहला स्टेप अनसिमेट्रिकल के लिए सबसे पहला क्या रहेगा टू फाइंड द सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब एक्स एक्सिस जो रहती सेंट्रोडल एक्स एक्सिस हमको निकालना पड़ेगा ठीक है थीके? मतलब हमको सेंट्रोडल एक्सिस निकालना है जहाँ पे कितने डिस्टेंस पे वो लाई करती है अब हमको वो निकालना है ठीक है क्यों निकालना है क्योंकि हमारा सिमेट्रिकल हमारा अनसिमेट्रिकल सेक्शन है ठीक है हमारा अनसिमेट्रिकल सेक्शन है इसीलिए हमको क्या निकालना है एक ऐसी एक्सेस जिसको हम न्यूट्रल एक्सेस बोल सकते हैं या तो सेंट्रोइडल एक्सेस बोलते हैं जिसके रेफरेंस से हम क्योंकि हम हर इसमें क्या करते हैं डिस्टेंस निकालते हैं ना सेंट्रोइड के बीच के बीच का डिस्टेंस जो एक्स एक्सेस रहती है उससे जो डिस्टेंस निकलता है वो निकालते हैं तो अब वो कैलकुलेट करेंगे अब उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कैसा है हम देखेंगे उसको कैसा निकालेंगे देखो हम बोलेंगे कि एज यहां पर हम लिखेंगे कि एज द सेक्शन एज द सेक्शन इज अनसिमेट्रिकल जैसे कि हमारा जो सेक्शन है वो क्या है अनसिमेट्रिकल है सो वी विल हैव टू सो वी विल हैव टू फाइंड दी जी ऑफ द बॉडी ठीक है ये पूरा बॉडी है इसका हमको सीजी निकालना पड़ेगा अब सीजी कैसे निकालेंगे सीजी निकालने का फॉर्मूला है मतलब कहीं ना कहीं डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम बॉटम फेस नीचे है बॉटम बॉटम किसको बोलते हैं नीचे के पार्ट को नीचे से कहा कितने डिस्टेंस पे आएगा तो बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड कहाँ से बॉटम फेस से क्या रहेगा इसका फॉर्मूला है y बार विल बी इक्वल्स टू ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू क्या है ए वन मतलब इसको समझो हमने अज्यूम कर लिया ए वन ठीक है हमने किस इसको क्या अज्यूम कर लिया इसको एरिया वन अज्यूम कर लिया इसको एरिया टू टू अज्यूम कर लिया इसको एरिया थ्री अज्यूम कर लिया कर लिया सिमिलरली इसका ये क्या रहेगा ये पॉइंट का ये जो सेक्शन है हमारा रेक्टेंगल इसका सी जी क्या रहेगा ये जी वन है इसका जी टू है और इसका क्या है जी थ्री है ठीक है अब हमको एक्स एक्सिस का निकालना है तो वो अब हम कैसे निकालेंगे ए वन अब यहाँ पे एरिया वन क्या दिख रही है हमको क्या है एरिया वन एरिया वन है ब्रेथ 240 फोर्टी इंटू डेप्थ डेप्थ कितनी है 12 इंटू वाई बार वाई बार मतलब नीचे से बॉटम फेस से लेके ये एक्सेस तक का डिस्टेंस वो हम देखेंगे तो बॉटम से एक्सेस तक का डिस्टेंस कितना आएगा ये बारह है बॉटम से इसका आधा मतलब छः आएगा छः एम एम प्लस ए टू ए टू हम वेब में जाएंगे सेकेंड एरिया में सेकेंड एरिया का क्या है टेन ब्रेथ इंटू डेप्थ ये हो गया टेन इंटू इसका जो ब्रेथ है ये जो है ये कितना है टेन एम एम है ठीक है वो लिख दिया हमने ये ए वन हो गया इं वाई वन प्लस ए टू ये ए टू हो गया एन टू वाई टू अब वाई टू के लेके आ जाएंगे मतलब यहाँ तक का डिस्टेंस बॉटम से लेके जी टू तक का डिस्टेंस ये कितना ये कितना डिस्टेंस आएगा ये वाला बॉटम से लेके जी टू तक का मतलब ये ट्वेल्व ये टू ये टोटल कितना है टू हंड्रेड है ये वेब का पूरा डेप्थ कितनी है दो सौ है जी टू से ये हाफ हो जाएंगी ये सौ हो जाएंगी ये सौ हो जाएंगी मतलब ये सौ प्लस बारह ये सौ प्लस बारह करेंगे तो डायरेक्टली हमको मिल जाएगा इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये क्या है ये इतना हो जाएगा हंड्रेड एम एम ठीक है मतलब इसको हंड्रेड प्लस ट्वेल्व करेंगे मिल जाएगा हंड्रेड प्लस ट्वेल्व ये कितना हो जाएगा सौ प्लस बारह ये हो गया एक सौ बारह प्लस प्लस अब और क्या बचता है तीसरा ये थर्ड वाला इसकी एरिया कितनी है वन सिक्सटी इंटू ट्वेल्व वन सिक्सटी इंटू ट्वेल्व इंटू अब इसका वाई इसका वाई थ्री कितना होगा बॉटम से लेके जी थ्री तक का डिस्टेंस बॉटम से लेके जी थ्री तक का डिस्टेंस कितना होगा कितना होगा ट्वेल्व यहाँ पे ऐड कर लेंगे ट्वेल्व ये बारह प्लस ये दो सौ प्लस ये कितना ये टोटल बारह है ये कितना आएगा छः प्लस छः डिवाइडेड by, डिवाइडेड by क्या करेंगे डिवाइडेड by ए वन ए वन टू फोर्टी इंटू ट्वेल्व प्लस टेन इंटू टू हंड्रेड प्लस ए थ्री कितना है वन सिक्सटी इंटू ट्वेल्व कैल्शियम में डालेंगे तो हमको वाई बार की वैल्यू कितनी मिलेंगी नाइन्टी सेवन पॉइंट ज़ीरो थ्री एम एम ठीक है मतलब इसको हम कब बोल सकते हैं नाइन्टी सेवन जीरो थ्री एम एम है तो डायरेक्टली क्यों क्योंकि हमको फाइंड आउट करने में फिर आसानी होगी। y की वैल्यू नाइन्टी सेवन आई है इसका क्या मतलब है कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है मतलब जो x x एक्सेस है वो बॉटम से कितने डिस्टेंस पे है नाइन्टी सेवन एम एम के डिस्टेंस पे है बॉटम से लेके ऊपर तक अब देखेंगे इसको लोकेट कैसे करना है इसको मैं ग्रीन से लोकेट करूंगी तो आपको इस आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे ठीक है आप देखेंगे ये कहाँ पर आएगा? सबसे पहले तो हमको ये देखना है नाइन्टी सेवन कहाँ पर आएगा ये हो गया बारह ठीक है ये डिस्टेंस क्या है सौ है मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हंड्रेड है मतलब कहीं ना कहीं जी टू से नीचे ही आने वाला है हमारा क्यों क्योंकि ये इतना सा ही डिस्टेंस हंड्रेड है तो हंड्रेड प्लस ट्वेल्व कितना होगा एक सौ बारह पर हमारी न्यूट्रल एक्सेस कहाँ पे लाई कर रही नाइन्टी सेवन पर लाए कर रही तो समझो कहीं ना कहीं हमने ये पॉइंट को बोल दिया इसको हमने ग्रीन से डिनोट किया और ये हमने एक्सेस बना दी ये कौन सी एक्सेस है सेंट्रॉयडल एक्सेस है हमारी एक्स एक्स एक्सेस है ये एक्सेस कितनी है हमारी बॉटम से लेके यहाँ से यहाँ तक का इसका डिस्टेंस है नाइन्टी सेवन इसका कितना डिस्टेंस हो गया 97 सेवन एम एम ठीक है अब आगे के जो भी प्रोसीजर रहेंगे वो ये एक्सिस को लेकर ही होंगे ये जैसे वाई एक्सिस थी सिमिलरली हमने एक्स एक्सिस निकाल ली है एक्स एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है 97 सेवन एम एम के डिस्टेंस पे है ठीक है अब इसके बाद का हमारा काम क्या है जैसे हमने पहले किया था हमको तीनों का इंडिविजुअल निकालना है हमको पहले क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सेस पे निकालना है और वाई पे निकालना है एक्स एक्सेस पे कैसे निकालेंगे तीनों को जब हम इंडिविजुअली ऐड करेंगे तो हमको एक्स एक्सेस पे मिलेगा और सिमिलरली जब वाई को ऐड करेंगे तो हमको वाई का मिलेगा ठीक है अब हम क्या बोलेंगे कि फॉर फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे करेंगे फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्स एक्स सेक्शन मतलब आई एक्स एक्स निकालना है तो ये करेंगे आई एक्स एक्स विल भी इक्वल्स टू आई एक्स वन प्लस आई एक्स टू प्लस आई एक्स थ्री कैसा आएगा एक्स वन ये जो सेक्शन है इसका भी एक एक्सिस है इसमें निकालेंगे ये एक सेक्शन है इसका भी एक, एक रेड वाला जो एक्सिस है ये है ये तीसरा सेक्शन है इसका खुद का एक सेंट्रोडल एक्सिस है ये तीनों को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे कैसा कैलकुलेट करेंगे फॉर आई एक्स वन मतलब ये सेक्शन के लिए आई एक्स वन के लिए मतलब पहले सेक्शन के लिए बाय पैरल हम पैरल एक्सिस थ्योरम से ही सॉल्व करते हैं बाय पैरेल एक्सिस थ्योरम पैरल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है क्या डिनोट करता है आई जी प्लस ए एच का स्क्वायर अब आई जी यहाँ पर क्या है वॉट इज आई जी आई जी इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल आई जी मतलब रेक्टेंगल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है बी डी क्यूब बाय ट्वेल्व इसकी कितनी है बी डी क्यूब बाय ट्वेल्व प्लस इसकी एरिया रहेंगी बी डी और इसकी हाइट रहेंगी हाइट मतलब कहाँ से ये दोनों के बीच का पॉइंट ये न्यूट्रल एक्सिस है एक्स एक्स क्या है सेंट्रोडल एक्सिस है हमारी ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे एच बोलेंगे अब वैल्यूज पुट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कैसा आएगा मैं न्यू पेज लेती हूं ठीक है अब हम यहां से डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिगर क्योंकि फिगर से ही हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है अब हमको क्या फॉर्मूला था आई जी प्लस ए एच का स्क्वायर, आई जी क्या है बी डी क्यूब है बी मतलब जो एक्स एक्सेस को पैरल है वो बी है बी पैरल कौन सा है टू फोर्टी इंटू डी कितना है ट्वेल्व का क्यूब डिवाइडेड बाय वट बी डी क्यूब बाय ट्वेल्व प्लस एरिया एरिया कितनी हो गई टू फोर्टी इंटू ट्वेल्व इन टू एच अब एच क्या है हाइट है अब हाइट कैसे निकालेंगे हमको ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए मतलब ये इतना बॉटम से लेके x एक्स एक्सेस तक का डिस्टेंस कितना है 97 है बोल सकते बॉटम से लेके कर यहाँ तक का डिस्टेंस 97 है 97 में से अगर हमने ये आधे पोर्शन को माइनस करा मतलब 12 है ये टोटल इसको आधा हो गया 6 बारह में ये बारह में से छः हमने माइनस कर लिया तो हमको इतना डिस्टेंस मिल जाएगा मिल जाएगा मतलब नाइन्टी सेवन माइनस सिक्स करेंगे तो हमको डायरेक्टली इसका एच वन की हाइट मिल जाएगी का स्क्वेयर ठीक है अब हम इसको कैल्सी में पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा पहले का आंसर आएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट एट इंटू टेन टू द पावर सिक्स एम एम टू द पावर फोर ये क्या हो गया आई एक्स वन की वैल्यू आ गई सिमिलरली आई एक्स टू के लिए क्या करेंगे पैरल एक्सिस थेरम लगाएंगे ठीक है बाय पैरल एक्सिस थेरम अब मैं यहाँ लिखती नहीं हूं शो नहीं करती टू डायरेक्टली बाय पैरल एक्सिस थेरम क्या कहता है आई जी प्लस ये वन था ये टू है प्लस ए एच का स्क्वायर सिमेट्रिकल अब आपको याद आ रहा होगा तो ये है कि सिमेट्रिकल एक्सिस पे क्या होता था कि ये जो दो एक्सिस थी ये एक थी ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती थी तो कोई हाइट आती नहीं थी कोई हाइट नहीं आती थी बट अब ये दोनों अलग है मतलब यहां पे हमको हाइट अज्यूम करना पड़ेगा ठीक है अब इसका आय आय क्या रहेगा वही रहेगा बी डी क्यूब बाय ट्वेल्व प्लस ए इंटू एच का स्क्वायर अब यहां पर बी कितना है एक्स एक्सिस को जो पैरेलल है वो क्या है बी है मतलब है टेन इंटू डी डी कितना है डेप्थ का क्यूब डिवाइडेड बाय ट्वेल्व प्लस एरिया कितनी हो गई टेन इंटू टू हंड्रेड अब इसकी हाइट कितनी रहेंगी मतलब न्यूट्रल एक्सिस से लेके इसका जो खुद का एक्सिस है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा हमको क्या दिख रहा है ये टोटल कितना है 200 है दो सौ है इसका एक्सेस ये है तो इसका एक्सेस दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा करेगा कि नहीं ये इतना सेक्शन है वेब का ये दो सौ है टोटल तो ये सौ हो जाएगा ये भी सौ हो जाएगा ठीक है अब ये सौ में से हम क्या करेंगे देखो ये पूरा टोटल रहेगा, ये टोटल में से अगर हमने 97 माइनस कर दिया तो हमको इतना मिल जाएगा टोटल कितना हो रहा है इसका देखो 200 प्लस बारा. दो सौ प्लस बारह कितना हो गया दो सौ बारह दो सौ बारह में से अगर हमने नाइन्टी सेवन माइनस किया तो हमको ये इसका डिस्टेंस नहीं मिलेगा क्या ज़रूर मिलेगा समझ रहा है क्या ये दो सौ है ये बारह है इसको हमने इतना ऐड कर लिया कितना हो गया दो सौ बारह हो गया दो सौ प्लस बारह दो सौ बारह दो सौ बारह में से हमने ये न्यूट्रल एक्सेस जो थी नाइन्टी सेवन इसको माइनस कर दिया तो इतना डिस्टेंस मिल गया हमको मतलब 212 सौ बारह माइनस नाइन्टी का स्क्वायर अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7.11 पॉइंट वन वन इंटू टेन टू द पावर सिक्स एम एम टू द पावर फोर ठीक है ये आ गई हमारी x आई एक्स टू की वैल्यू सिमिलरली आई एक्स थ्री के ले जाएंगे ब्लॉक में डाल देंगे ताकि हमको समझ में आएगा कि ये हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है ठीक है अब सिमिलरली इसके लिए जाएंगे थर्ड सेक्शन में तो थर्ड सेक्शन में भी क्या रहेगा आई जी थ्री प्लस ए एच का स्क्वायर अब इसकी एरिया कितनी हो गई बी एक्स एक्सिस ये जो एक्स एक्सिस को पैरेलल क्या है बी वन सिक्सटी इंटू डी का क्यूब ट्वेल्व का क्यूब डिवाइडेड बाय ट्वेल्व प्लस एरिया वन सिक्सटी इंटू ट्वेल्व इंटू हाइट अब इसकी हाइट कितनी आएंगी अब इसकी हाइट कैसे देखेंगे एक्स एक्सिस से लेके जी थ्री तक का ठीक है जी टू से नहीं लेंगे हम याद रखना नहीं तो कोई भी जी टू से जी थ्री तक का ले लेंगे वो नहीं लेना है हमको हमको एक्स एक्सिस मतलब ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है पूरी बॉडी की जो एरिया लाए कर ये उससे लेके ये एक्सिस तक का डिस्टेंस लेना है अब ये डिस्टेंस कितना आएगा कितना आने वाला है ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम देखेंगे इतना क्या है नाइन्टी सेवन है ठीक है टोटल अगर समझो हमने पूरा पूरे का सेक्शन का निकाले पूरा निकाले कितना होगा समझो हमने इतने की हाइट निकाले उसमें से हमने इतने को माइनस कर दिए हमको हमारा आंसर मिलेगा कि नहीं ज़रूर मिलेगा टोटल हाइट कितनी आएंगी ये है टू हंड्रेड ये कितनी हो गई टू हंड्रेड प्लस ट्वेल्व दो सौ बारह हो गई दो बारह प्लस दो सौ यहाँ लिखूँ क्या बारह प्लस दो सौ कितना हो गया दो सौ बारह दो सौ बारह प्लस छः कितना हो गया दो सौ अठारह मतलब इतनी जो वैल्यू आई ये कितनी आई ये दो सौ अठारह आई तो यहाँ लिख दिए दो सौ अठारह माइनस ये दो सौ अठारह में से अगर हमने नाइन्टी सेवन को माइनस कर दिया तो हमको नहीं मिल जाएंगी हमारी हाइट ज़रूर मिलेंगी दो सौ अठारह था उसमें से हमने इतने को माइनस किया तो हमको इतने की वैल्यू मिल गई टू दो सौ अठारह माइनस नाइन्टी सेवन कर दिए इसका स्क्वायर तो इसका आंसर क्या आ रहा हमारे पास इसका आंसर आएगा ट्वेंटी एट पॉइंट वन थ्री इन टू टेन टू द पावर सिक्स एम एम टू द पावर फोर ये हो गई हमारे पास आई एक्स थ्री की वैल्यू ये थर्ड वैल्यू आ गई आ गई अब हमको क्या निकालना है आई एक्स एक्स निकालना है आई एक्स एक्स कैसे निकालेंगे आई एक्स एक्स विल भी एडिशन ऑफ द थ्री ठीक है अब आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या रहेंगी आई एक्स एक्स क्या रहेगा विल बी एडिशन ऑफ थ्री अभी हमको डायग्राम की जरूरत नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सरका देती हूँ ये तीनों की वैल्यूज आ गई तो देर फॉर आई एक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू आई एक्स वन प्लस आई एक्स टू प्लस आई एक्स थ्री तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी थ्री पॉइंट एट एट इंटू टेन टू द पावर सिक्स प्लस ट्वेंटी थ्री पॉइंट प्लस सेवन पॉइंट वन वन इंटू टेन टू द पावर सिक्स प्लस ट्वेंटी एट पॉइंट वन थ्री इंटू टेन टू द पावर सिक्स अब इसका टोटल कितना आ रहा है इसका आंसर आ रहा है फिफ्टी नाइन पॉइंट वन टू इंटू टेन टू द पावर सिक्स एम एम टू द पावर फोर एम एम टू द पावर फोर इसका क्या है यूनिट है मतलब आई सेक्शन पे ये अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है जब इस पर लोडिंग आएंगी तो उसका जो एक्स सेक्शन है एक्स एक्स एक्सिस है वो कितना रेजिस्टेंस देने वाला है कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया देने वाला है फिफ्टी नाइन पॉइंट वन टू देने वाला है ठीक है अब क्या करेंगे फॉर कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ आई वाई वाई अब देखना है हमने हमने एक्स एक्सिस पे तो निकाल लिया कि कितना रेजिस्टेंस देने वाला है अब सिमिलरली हमको वाई एक्सिस पे भी निकालना पड़ेगा कि वाई एक्सिस कितना देंगी अब हम एक्स वाई का देखेंगे अब डायग्राम को हम फिर से देखेंगे अभी तक हमने क्या देखा वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के लिए देखा था अब हम क्या के देखेंगे वाई में देखेंगे वाई में जब देखेंगे तो हम क्या देख सकते हैं कि जो वाई एक्सिस है ये पूरे सेंट्रॉयड से पास हो रही है सेंट्रॉयड से पास हो रही है मतलब हमको इसमें डिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है तो डायरेक्टली हम आई वाई वाई की वैल्यू निकाल सकते क्या डी बी क्यूब बाय ट्वेल्व डी बी क्यूब बाय ट्वेल्व हमको पता है रेक्टेंगल का क्या है डी बी क्यूब बी डी क्यूब बाय ट्वेल्व था एक्स एक्सिस के लिए अब वाई को जो पैरेलल है वाई को क्या पैरेलल रहता है डी तो पहला आता है डी डी बी क्यूब बाय ट्वेल्व पहले सेक्शन का प्लस डी बी क्यूब बाय ट्वेल्व सेकेंड सेक्शन का प्लस डी बी क्यूब बाय ट्वेल्व थर्ड सेक्शन का ठीक है हम क्यों डिस्टेंस नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो खुद सेंट्रोइड से पास हो रहा है इसलिए हमको डिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है ठीक है अब डायरेक्टली हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे क्या है पहले की एरिया कितनी है वन सिक्सटी इंटू ट्वेल्व का क्यूब डिवाइडेड बाय ट्वेल्व प्लस दूसरे की क्या है एक सेकेंड पहले की हम एरिया देख लेते पहले की एरिया थी वन सिक्सटी इंटू ट्वेल्व क्यूब डी डी कितना है पहले सेक्शन के लिए डी कितना रहेगा जो वाई को पैरेलल है मतलब ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू वन सिक्सटी का क्यूब सॉरी टू फोर्टी का टू फोर्टी का क्यूब डिवाइडेड बाय ट्वेल्व ठीक है ट्वेल्व इंटू टू फोर्टी का क्यूब डिवाइडेड बाय ट्वेल्व प्लस दूसरे का क्या रहेगा? टू हंड्रेड टू हंड्रेड कैसा रहेगा? वाई एक्सिस को क्या पैरेलल है डी सेकेंड सेक्शन में वाई एक्सेस को क्या पैरेलल है टू हंड्रेड तो टू हंड्रेड अब इसकी डी हो गया बचा क्या बी बी कितना है टेन का क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वेल्व प्लस तीसरे सेक्शन में वाई एक्सेस को क्या पैरेलल है बारह लिखेंगे ट्वेल्व इंटू बी बी का क्यूब वन सिक्सटी का क्यूब डिवाइडेड बाय ट्वेल्व वन सिक्सटी का क्यूब डिवाइडेड बाय ट्वेल्व तो आंसर कितना आएगा हमारा हमारा आंसर आएगा 17.1 17.93 वन टू टेन टू द पावर सिक्स एम एम टू द पावर फोर ठीक है हमको निकालना था आई एक्स एक्स और आई वाई वाई और ये अब हमने निकाल लिए है अब नेक्स्ट सेक्शन में अभी हमने इसमें क्या देखा था समरी क्या है हमने न्यूमेरिकल देखा अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन पे अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे टी सेक्शन देखेंगे टी सेक्शन देखेंगे और बिल्डअप सेक्शन देखेंगे ओके ओके थैंक यू